नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल बॉस में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, यदि आपका मोबाइल हैंग करता है तो प्लीज इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। दोस्तों यकीन मानना, आज के बाद आपका मोबाइल कभी भी हैंग नहीं करेगा। और दोस्तों हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले ही आपको एक बात बता देता हूँ, जितने भी मैंने आपको पुरानी वीडियो में मोबाइल की हैंगिंग प्रॉब्लम से निपटने के लिए जितनी भी सेटिंग बताई थी, जो भी आपको सॉल्यूशन बताया था, अब वो कंप्लीट रूप से चेंज हो चुका है। तो प्लीज़ यदि आपका मोबाइल हैंग करता है तो भाई इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, आज के बाद कभी भी आपका मोबाइल हैंग नहीं करेगा। अब दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल को किस तरीके से हैंग होने से रोक सकते हैं। थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो शुरू करने से पहले ही बताया है कि जो भी पुराने मेथड थे मोबाइल हैंगिंग प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, वो कंप्लीट रूप से चेंज हो चुके हैं। क्योंकि दोस्तों, आपका मोबाइल भी चेंज हो चुका है, आपके मोबाइल का वर्जन भी चेंज हो चुका है, और जितनी भी मोबाइल की कंपनियाँ थी उन्होंने जो नए वर्जन लॉन्च किए हैं एंड्रॉयड मोबाइल के लिए, उनकी जो सेटिंग है वो कम्प्लीटली रूप से चेंज हो चुकी है। तो यदि अब आपका मोबाइल हैंग करता है तो अब आपको अपने मोबाइल के अंदर तीन सेटिंग करनी है। इन तीनों सेटिंग को थोड़ा ध्यान से देखना, ये कंप्लीट रूप से चेंज हो चुकी है, पुराने जैसे लगेगी लेकिन पुराने जैसी है नहीं है। ओके, अब थोड़ा समझना, पहले सेटिंग के बारे में जानेंगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी। पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, अगर एक भी सेटिंग छूट गई तो आपके मोबाइल की जो हैंगिंग प्रॉब्लम है वो दूर नहीं होगी। इसलिए मैं कहूँगा वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और इन तीनों सेटिंग को ध्यान से देखना। दोस्तों पहले सेटिंग क्या है, थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल का प्ले स्टोर है ना, जो उसको ओपन करना है। ओके, प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर थ्री डॉट पर जाना है। ओके, थ्री डॉट पर जाने के बाद आपको जाना है प्ले स्टोर की सेटिंग में। जैसे ही आप यहां पर सेटिंग में चले जाएंगे, यहां पर आपको एक सेटिंग मिलती है ऑटो अपडेट ऐप। अब पहले क्या सेटिंग थी, हम इसको डोंट ऑटो अपडेट ऐप रखते थे, लेकिन अब आपको क्या रखनी है, ओवर एनी वाईफाई या फिर ओवर एनी नेटवर्क। ओके, अब दोस्तों सबसे पहले सेटिंग को टिक करना है ओवर एनी नेटवर्क, क्योंकि इससे क्या होगा, जो आपके मोबाइल का नेटवर्क है वो भी काम करेगा। ओके, वाईफाई तो आप कभी कभी यूज करते हो, इसको कर देंगे डन। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे, पहले डोंट ऑटो जो है वाईफाई करते हैं, डोंट ऑटो अपडेट करते थे, अब ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि दोस्तों अब जो नया वर्जन आया है ना सभी एंड्रॉयड मोबाइल में, ओके, उसकी जो सिक्योरिटी पैच थी वो अपडेट हो चुकी है। यदि आपके मोबाइल में कोई ऐसी ऐप होगी जो अपडेटेड नहीं है तो उसको आपका मोबाइल चलाता ही नहीं है, उसको हैंग करता है, फिर आपको लगता है कि आपका मोबाइल हैंग हो रहा है। तो इसलिए आपको अपने मोबाइल की सभी एप्लीकेशन को अपडेट रखना है, इस चीज़ को ध्यान में डाल लेना अब प्रेजेंट में। ओके, अब पहले तो ये सेटिंग करनी है आपको। दूसरे नंबर की सेटिंग क्या है, थोड़ा ध्यान से देखना। अब दोस्तों दूसरे नंबर की सेटिंग में आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहले आप अपने मोबाइल की सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों अबाउट फोन का, अबाउट फोन वाले सेटिंग में जाएंगे। अबाउट फोन वाले सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन का, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तों बिल्ड नंबर का। बिल्ड नंबर पर यदि आप 7 बार क्लिक करते हो तो आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर बिल्ड नंबर है, इस पर हम 7 बार क्लिक करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। अब यहाँ पर आप जाएंगे बैक, बैक जाने के बाद यहाँ पर आपके मोबाइल में एक नई सेटिंग ओपन हो जाती है जिसका नाम होता है डेवलपर ऑप्शन। डेवलपर ऑप्शन में आप चले जाएंगे। अब दोस्तों डेवलपर ऑप्शन में क्या था, वैसे आप सभी लोग जानते हो, लेकिन इसमें सेटिंग चेंज हो चुकी है। ओके, पहले हम दोस्तों क्या काम करते थे यहाँ पर, अब थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पर जो हमारी विंडो एनिमेशन स्केल हुआ करती थी ना, इसको हम 0.5x रखते थे। पहले हम इसको 0.5x रखते थे, लेकिन अब क्या रखेंगे, एनिमेशन स्केल 1x। इसमें यही चेंजिंग हुई है। अब आपको ये तीनों सेटिंग मेंटेन करनी है अपने मोबाइल में। ओके, अब आपको पता चल गया होगा। अब दोस्तों ये दूसरी सेटिंग थी, बात करेंगे तीसरी सेटिंग की। तीसरी सेटिंग क्या है, वो भी डेवलपर ऑप्शन में ही है। वो क्या है दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा, यहाँ पर हमें एक सेटिंग मिलती थी जिसका नाम होता था, थोड़ा यहाँ पर नीचे जाएंगे, डोंट कीप एक्टिविटी। ओके, लेकिन अब इस सेटिंग को आप कभी भी ऑन नहीं करेंगे, अब आप इसको बंद रखेंगे। क्योंकि दोस्तों जब से सिक्योरिटी पैच अपडेट हुई है ना, यदि आप इस सेटिंग को ऑन कर देते हो डोंट कीप एक्टिविटी को,
तो यदि आप एक यूट्यूबर है तो आपकी वीडियो अपलोड होना बंद हो जाएगी। क्रोम ब्राउजर के अंदर आप सोचेंगे मोबाइल में क्या प्रॉब्लम आ गया है, ओके। लेकिन प्रॉब्लम यही है क्योंकि दोस्तों आपका जो मोबाइल है उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और फिर वहां पर कोई भी एक्टिविटी नहीं होने देता है, ओके, जिसकी वजह से आपको लगता है कि भाई मोबाइल हैंग हो गया है, काम नहीं कर रहा है। तो इस सेटिंग को अब आप बंद रखेंगे, पहले इसको ऑन रखते थे, ओके। और दोस्तों इसके साथ साथ जो भी आप अपने मोबाइल में जंक फाइल रखते हो उनको डिलीट करना है, कैश फाइल के रूप में जो फाइल रहती है उनको क्लीन करना है, बस आपको यही काम करना है, ओके। इसके बाद आपका मोबाइल ज़िंदगी में कभी हैंग नहीं होगा। बट दोस्तों एक बात का यकीन मानना, अब ये ट्रुथ है, अब यही सेटिंग आपके मोबाइल में वर्क करेगी, ओके। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। तो इस वीडियो में सो नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।